बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है थ्री क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी एंड फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी। ठीक है, वन के क्यूब रूट्स भी पढ़ने हैं और फोर्थ रूट्स भी पढ़ने हैं। तो हम जानते हैं अगर किसी नंबर का आपने स्केयर रूट फाइंड करना हो, सपोज डैट के एक्स का या वन का स्केयर रूट है, मीन्स डैट के उसकी जो है ना हम पावर ऐसे लिखेंगे स्केयर रूट। स्केयर रूट हम जानते हैं स्केयर रूट की जो वैल्यू है वो जिस भी नंबर का स्केयर रूट है, मीन्स डैट वन का स्केयर रूट है तो वन की पावर होगी वन ओवर टू। थर्ड रूट में हम क्या लिखते हैं, वन ओवर थ्री क्यूब रूट में, मीन्स के। तो यहाँ पे हमने वन के क्यूब रूट फाइंड करने हैं। सपोज किया हमने कि वन का जो क्यूब रूट है वो किसी वेरिएबल जो किसी वेरिएबल वो एक्स के इक्वल सपोज कर लिया। ठीक है, वन का क्यूब रूट किसके इक्वल आ गया, एक्स के, सपोज किया हमने। अब ये क्यूब रूट है तो इसको हम लिख सकते हैं वन की पावर वन ओवर थ्री। इस रिलेशन को रेडिकल फॉर्म से हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म जस्ट फाइंड की है। आपकी पहले रेडिकल फॉर्म है, उससे आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म की, तो एक्स किसके इक्वल आ गया, वन की पावर वन ओवर थ्री। अब देखें हमें राइट साइड पे भी, राइट साइड पे आप देखेंगे एक्स की पावर है वन ओवर थ्री, सॉरी एक्स की कह रहा हूँ, राइट साइड पे वन की पावर है वन ओवर थ्री और लेफ्ट साइड पे है एक्स। अगर मैं दोनों तरफ पावर सेम करना चाहता हूँ तो राइट साइड पे देखें अगर हम होल की पावर थ्री ले लें तो फिर लेफ्ट पे भी लेंगे। अगर हम राइट साइड पे होल की पावर वन ओवर थ्री ले लें, इस वन की पावर वन ओवर थ्री होल की पावर अगर थ्री ले लें तो ये कैंसिल हो जाएंगे और वन बचेगा। इसी तरह तो आपके पास रिलेशन ये बना कि एक्स क्यूब जो है वो किसके इक्वल है, वन के इक्वल है। अब वन इस साइड पे प्लस का, लेफ्ट साइड पे आके माइनस का वन हो जाएगा, एक्स क्यूब। देखें आपके ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला जो है ना वो बन रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब मीन्स के एक्स क्यूब माइनस वन का क्यूब, वन का क्यूब तो वन ही रहेगा, तो एक्स क्यूब माइनस वन इक्वल आ रहा है जीरो के। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या था, ए माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। ऐसे होगा ना, आपके पास जो है ना ए है एक्स, डिस्पोज हम कर रहे हैं एक्स क्यूब माइनस वन का जो है वो क्यूब है, तो ये हो गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इसको हम लिखेंगे ए माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी, मीन्स के एक्स इंटू वन तो एक्स आ जाएगा, प्लस बी स्केयर, वन का स्केयर वन रहेगा। तो ये रिलेशन आपके पास बनेगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस रिलेशन की मदद से आपने नेक्स्ट फाइंड करना है कि या तो ये जीरो के इक्वल है या फिर ये जीरो के इक्वल है। दोनों को जीरो के इक्वल पुट करेंगे। पहले आपने एक्स माइनस वन को जीरो के इक्वल पुट किया तो एक्स आपको माइनस वन उधर जाके प्लस का वन हो गया, एक्स आपको मिल गया वन। ठीक है, फिर सेकंड के लिए आपने इसको जीरो के इक्वल पुट किया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखें आपके ए आपके पास है वन, बी कितना है, बी भी वन है और सी भी वन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन यहाँ पे नहीं हो रही, हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ पे यूज करना है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या था, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्केयर रूट ऑफ बी स्केयर माइनस फोर ए सी। तो बी हमारे पास वन है, माइनस बी यहाँ पे पुट कर दिया, प्लस माइनस बी का स्केयर अगेन वन आ गया यहाँ पे, माइनस फोर ए सी, ए भी वन है सी भी वन है, तो वन मल्टीप्लाई फोर तो आपको आंसर फोर ही मिलेगा। तो वन माइनस फोर माइनस थ्री यहाँ पे, ये आपको जो है ना रिलेशन मिल गया। आप इस चीज का पता है कि जब आपके पास स्क्वायर रूट में नेगेटिव नंबर मिले थे तो फिर हमारे पास जो है ना वो इमेजिनरी पार्ट बनता है। कॉम्प्लेक्स हमारे पास जो नंबर है वो किस तरह से आते हैं, अगर कोई भी नंबर ऐसा हो कि जिसका स्क्वायर रूट हो और नंबर वो नेगेटिव हो तो हमारे पास आयोटा आ जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन इक्वल किसके होता है, आयोटा के। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप माइनस, ये जो स्केयर रूट ऑफ माइनस थ्री है इसको हम लिख सकते हैं कि स्केयर रूट ऑफ थ्री इंटू स्केयर रूट ऑफ माइनस वन। तो ये माइनस वन का जो स्केयर रूट है ये हम लिख देंगे आयोटा के इक्वल। ठीक है, तो ये बन जाएगा स्केयर रूट थ्री आयोटा। तो इसमें वैल्यूज रिप्लेस जब करेंगे यहाँ पे एक्स के इक्वल आया, एक्स इज इक्वल माइनस वन प्लस माइनस स्केयर रूट थ्री ओवर टू, या आपको एक्स मिल गया। ठीक है, यह आपको एक्स मिल गया। तो आप देखें स्टार्ट से आपको x की कौन कौन सी वैल्यू मिली है, एक आपको x की वैल्यू मिली है वन, दूसरी वैल्यू आपको x की मिली है माइनस वन प्लस माइनस स्क्वायर रूट थ्री आयोटा ओवर टू। इसमें से दो रूट बन रहे हैं, कौन कौन से, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ,
फर्स्ट रूट बना यहाँ से इन दोनों में से, माइनस वन प्लस के रूट थ्री आयोटा ओवर टू, दूसरा यहाँ से बनेगा माइनस वन माइनस के रूट थ्री आयोटा ओवर टू। तो टोटल जो मान के क्यूब रूट है वो कितने बन गए, थ्री, एक तो बन गया ये वाला वन, ठीक है, एक वन आ गया और जो है दो ये वाले आ गए। तो इनको लिखा हमने के वन माइनस वन प्लस के रूट थ्री आयोटा ओवर टू माइनस वन माइनस के रूट थ्री आयोटा ओवर टू। तो ये आपके पास जो है ना वो वन के क्यूब रूट्स आ गए, ठीक है। इसमें हमने ये देखना है, ये नोट आपको क्लियर नजर अगर आ रहा है तो, के जो है ये वन के इनमें इमेजिनरी पार्ट आ रहा है दोनों रूट्स में, ये देखें लास्ट पे जो है हमारे पास ये भी और ये भी दोनों में आयोटा आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये दोनों जो है ना वन के कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी रूट्स हैं, ठीक है दोनों। आगे इसकी हमने प्रॉपर्टीज पढ़नी है, प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ठीक है। रूट्स हमने फाइंड कर लिए, कौन कौन सा रूट आया, फर्स्ट रूट आया है वन, सेकेंड जो है माइनस वन प्लस के रूट थ्री आयोटा ओवर टू, थर्ड आया माइनस वन माइनस के रूट थ्री आयोटा ओवर टू, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज स्क्वायर ऑफ द अदर, कि यूनिटी के जो वन के जो क्यूब रूट आए हैं इनमें से हर एक दूसरे का स्केयर है, मीन्स के जो दो, हर एक नहीं मतलब के जो दो कम्प्लेक्स आए हैं आपके पास, कौन कौन से कम्प्लेक्स आए हैं, एक आया माइनस वन प्लस के रूट थ्री आयोटा ओवर टू, दूसरा आया माइनस वन माइनस के रूट थ्री आयोटा ओवर टू। तो कहता है ये दोनों एक दूसरे के स्केयर हैं, कि आप देखें अगर पहला हमारे पास माइनस वन प्लस के रूट थ्री आयोटा ओवर टू इसका है स्केयर, मैं इसका अगर स्केयर करूं ओपन, ऊपर बन रहा है ए प्लस बी होल का स्केयर, ए स्केयर प्लस टू ए बी प्लस बी स्केयर, वो फार्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखें कि माइनस वन प्लस के रूट थ्री आयोटा ये है इसका स्केयर है, ऊपर बनेगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी, और नीचे टू का स्केयर फोर बन गया, ठीक है। ये जो माइनस वन का स्केयर है ये बनेगा वन, और स्केयर रूट थ्री का स्केयर थ्री, और आयोटा स्केयर माइनस वन, तो वो माइनस का साइन इसके साथ इसको माइनस का थ्री कर देगा, ठीक है। क्या बना, वन माइनस थ्री, उसके बाद प्लस माइनस माइनस टू वन आर टू, तो ये आ गया टू स्केयर रूट थ्री आयोटा ओवर टू ओवर फोर। अब वन माइनस थ्री माइनस टू आ गए यहाँ पे, वन माइनस थ्री माइनस टू स्केयर रूट थ्री आयोटा ओवर फोर, ऊपर से टू हमने कॉमन ले लिया, कॉमन लिया तो बचा माइनस वन माइनस स्केयर रूट थ्री आयोटा ओवर फोर, यहाँ पे हम कट करेंगे टू वन आर टू 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 आर फोर, तो क्या मिला माइनस वन माइनस स्केयर रूट थ्री आयोटा ओवर टू। तो यही हमारा सेकेंड रूट था। दोबारा देखें आप कि आपने यहाँ पे क्या किया है, कि यहाँ पे आपने फर्स्ट जो कम्प्लेक्स इसके दो रूट्स आए हैं, फर्स्ट हमने सपोज किया कि जो था हमारे पास माइनस वन प्लस स्केयर रूट थ्री आयोटा ओवर टू, उसको हमने स्केयर किया, ठीक है। जब इसका स्केयर किया तो हमें सेकेंड मिल गया, ठीक है। फर्स्ट का आपने स्केयर किया तो आपको सेकेंड मिल गया रूट, अब हम सेकेंड का स्केयर करते हैं तो हमें फर्स्ट मिल जाएगा। तो मालूम ये हुआ कि जो कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हैं वो स्केयर हैं एक दूसरे के, ईच कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज स्केयर ऑफ द अदर। अब इसका आप स्केयर ओपन करके देख लें, माइनस वन माइनस स्केयर रूट थ्री आयोटा ओवर टू है, तो आप देखिए इसमें अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो बाद में इसका कर दें स्केयर, तो ये होल का स्केयर है, जब माइनस माइनस का भी स्केयर होगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो माइनस यहाँ से रिमूव होगी। ए प्लस बी का स्केयर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी ओवर टू का स्केयर जो है वो फोर बन जाएगा, ठीक है। नीचे वन का स्केयर वन, स्केयर रूट थ्री का स्केयर जो है ना थ्री, और आयोटा स्केयर माइनस वन, तो ये माइनस का थ्री आ गया यहाँ पे, जिस तरह से पीछे हमने रिलेशन में किया। प्लस टू ए बी टू वन का टू, साथ में स्केयर रूट थ्री आयोटा ओवर टू, वन माइनस थ्री माइनस टू, ऊपर से टू कॉमन लिया तो माइनस वन प्लस स्केयर रूट थ्री आयोटा ओवर फोर, अगेन टू वन आर टू 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 आर फोर। तो आपको देखा ये सेकेंड रूट जो है ना वो, जब इसका स्केयर किया तो आपको ये रिलेशन मिल गया, और इसका रिलेशन स्केयर किया तो ये मिल गया, मीन्स के जो इसके वन के क्यूब रूट कम्प्लेक्स क्यूब रूट हैं, ईच कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज स्केयर ऑफ द अदर, वो एक दूसरे के स्केयर हैं, ठीक है। ये रिलेशन आपने याद रखना। तो इसमें सामने ये दो जो कम्प्लेक्स इसके क्यूब रूट आ रहे हैं, एक अगर हम ओमेगा का नाम देंगे, दूसरा ओमेगा स्केयर होगा,
अगर इसको आपने कहा ओमेगा तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। दोनों को कोई नाम देना है, या आप इसको ओमेगा कह लें तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, एक ओमेगा और दूसरा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ माइनस वन प्लस स्क्वायर रूट थ्री आयोटा ओवर टू इक्वल है ओमेगा के, देन माइनस वन माइनस स्क्वायर रूट थ्री आयोटा ओवर टू इक्वल हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर के। और अगर आपने सेकंड वाले को ओमेगा कह लिया तो फिर फर्स्ट वाला ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आगे इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है द सम ऑफ ऑल थ्री क्यूब रूट्स ऑफ यूनिट इज जीरो। पहली बात हुई है कि थ्री के क्यूब रूट आए कौन कौन से आपके पास, एक है वन, दूसरा माइनस वन प्लस स्क्वायर रूट थ्री आयोटा ओवर टू, तीसरा है माइनस वन माइनस स्क्वायर रूट थ्री आयोटा ओवर टू। ये तीनों रूट्स हैं, तो आपने ये कहना है कि तीनों का जो सम है वो किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। अब हमने ये भी सपोज कर लिया कि ये सपोज डेट अगर ओमेगा है तो ये कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। फिर हम इसको शॉर्टकट फॉर्म में क्या लिखेंगे, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल जीरो के, रिलेशन तो यही प्रूव करेंगे ना, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल है जीरो के। तो आप इनको देखें, आप जो सम इनका फाइंड करते हैं, वन ओमेगा हमारे पास ये था माइनस वन प्लस स्क्वायर रूट थ्री आयोटा ओवर टू, ये ओमेगा स्क्वायर हो गया। तीनों का हमने ले लिया एलसीएम तो मिला टू, यहाँ पे लिख दिया टू वन जार टू डायरेक्ट, माइनस टू वन जार टू वन को जब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वन प्लस स्क्वायर रूट थ्री आयोटा ओवर टू आयोटा सॉरी, यहाँ पे भी जब देखा टू वन जार टू तो माइनस वन माइनस स्क्वायर रूट थ्री आयोटा, प्लस स्क्वायर रूट थ्री आयोटा और माइनस स्क्वायर रूट थ्री आयोटा कैंसिल हो गए, आगे टू माइनस वन वन और वन माइनस वन जीरो, तो जीरो ओवर टू इक्वल जीरो के। तो ये हमारे पास एक रिलेशन ये भी बन गया कि सम ऑफ ऑल थ्री क्यूब रूट्स ऑफ यूनिट इज जीरो, मीन्स डैट कि वन प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है वो इक्वल किसके है, जीरो के इक्वल। इनके प्रूफ सबके आप लोगों ने जो है वो तैयार करने हैं। ठीक है, आगे कहता है अगर हम जो है ना इसमें से सपोज कर लें कि फर्स्ट वाला ओमेगा है, सेकंड वाला जो है ना वो ओमेगा स्क्वायर है, तो इनका जो सम है वो जीरो के इक्वल, हेंस प्रूव दैट वन प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। आगे थर्ड प्रॉपर्टी है द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द थ्री क्यूब रूट्स ऑफ यूनिट इज यूनिटी। कहता है कि वन के जो क्यूब रूट आ रहे हैं तीनों, अगर तीनों को हम मल्टीप्लाई करें, इनका प्रोडक्ट लें, तो हमें आंसर मिलेगा वन। पिछला रिलेशन क्या था, जमा करें तो हमें आंसर मिलेगा वन। अब वन के रूट जो है ना क्यूब कौन कौन से थे, एक था वन, दूसरा था जो है माइनस वन प्लस स्क्वायर रूट थ्री आयोटा ओवर टू जिसको हमने ओमेगा सपोज किया, तीसरा था माइनस वन माइनस स्क्वायर रूट थ्री आयोटा ओवर टू जिसको हमने ओमेगा स्क्वायर सपोज किया। ठीक है, तो रूट्स कौन कौन से बन गए, वन डॉट ओमेगा स्क्वायर, मीन्स के तीनों को हम कर रहे हैं मल्टीप्लाई, तीनों का प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं। वन को पता आपके वन के साथ, तो ओमेगा की क्या वैल्यू है आपके पास, माइनस वन प्लस स्क्वायर रूट थ्री आयोटा ओवर टू, ओमेगा स्क्वायर है माइनस वन माइनस स्क्वायर रूट थ्री आयोटा ओवर टू। ठीक है, ऊपर देखें आप कि ऊपर फॉर्म बन रही है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, डिनोमिनेटर तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, टू टू आर फोर आ गया, ऊपर बन रहा है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए हमारे पास है माइनस वन और बी क्या है स्केयर रूट थ्री आयोटा, ए का स्केयर किया तो माइनस वन का स्केयर, माइनस बी का स्केयर तो स्केयर रूट थ्री आयोटा होल का स्केयर बन गया। ठीक है, तो माइनस वन का स्केयर हमारे पास जो है वो क्या आएगा, वन आएगा, और स्केयर रूट थ्री का स्केयर थ्री आयोटा स्केयर माइनस वन, तो ये माइनस थ्री, माइनस माइनस प्लस तो वन प्लस थ्री हो गया, तो वन प्लस थ्री फोर, फोर ओवर फोर जो है वो वन के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब कि आपने जब इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, वन मल्टीप्लाई ओमेगा, ओमेगा ओमेगा मल्टीप्लाई ओमेगा स्केयर तो ओमेगा क्यूब, तो ओमेगा क्यूब जो है वो किसके इक्वल आ गया, वन के। रिलेशन क्या बना, द प्रोडक्ट ऑफ ऑल थ्री क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज यूनिटी, मीन्स के आपके पास जो ओमेगा क्यूब है उसकी वैल्यू कितनी आ गई है, वन के इक्वल आ गई। ठीक है, उसके बाद आज हमने पढ़ने हैं क्वेश्चन, इंशाल्लाह कल करेंगे, आज हमने ये भी पढ़ना है साथ के फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी, ये शॉर्ट है। जिस तरह से हमने क्यूब रूट किए थे वन का थर्ड रूट था, ऐसे ही आपके पास जो है वन का फोर्थ रूट है, इसको किसी वेरिएबल के इक्वल एक्स के इक्वल सपोज कर लिया,
वन का अगर फोर्थ रूट है इसको हम लिख सकते हैं 1 की पावर 1/4। नेक्स्ट हमारे पास क्या बन रहा है कि एक्स इक्वल आ रहा है 1 की पावर 1/4। इसकी पावर फ्रैक्शन में है, मैं इधर इस तरफ भी जो है ना होल की पावर 4 ले लेता हूँ और इधर भी 4 पावर ले लेता हूँ, तो इधर बन जाएगी एक्स की पावर 4 और राइट साइड पे इस 4 के साथ ये 4 रिमूव हो जाएगा, इक्वल 1 के आ गया। तो एक्स की पावर 4 जो है वो इक्वल आ गई 1 के, एक्स की पावर 4 इक्वल 1 के। ये प्लस का 1 इधर आके माइनस का 1 हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फार्मूला जो है ना वो अप्लाई हो रहा है यहाँ पे x की पावर 4-1 पे, जैसा कि ऐसे लिख लेंगे इसको, एक्स स्केयर होल का स्केयर माइनस 1 का स्केयर, ए स्केयर माइनस बी स्केयर बन रहा है, इसको हम क्या लिखेंगे, एक्स स्केयर माइनस 1 इंटू एक्स स्केयर प्लस 1, ये लिख देंगे। तो यहाँ पे हमने ये वाली वैल्यूज जब पुट की, एक्स स्केयर माइनस 1 इंटू एक्स स्केयर प्लस 1, ये लिख दी इक्वल 0 के, या तो फिर एक्स स्क्वायर माइनस 1 भी 0 के इक्वल होगा, फिर दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये भी 0 के इक्वल होगा। यहाँ पे देखिए आप माइनस 1 उधर जाके प्लस का 1 हो गया, एक्स स्क्वायर इक्वल आ गया 1 के, दोनों तरफ हमने किया स्क्वायर रूट, तो एक्स की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 1 यानी कि दो वैल्यूज आ गई, एक प्लस का 1 और दूसरी माइनस का 1। जब इधर आए हम तो हमारे पास प्लस का 1 उधर जाके माइनस का 1 हो गया और एक्स स्क्वायर इक्वल आ गया माइनस 1 के, अगेन स्क्वायर रूट करेंगे दोनों तरफ, जब स्केयर रूट किया तो आपको मिला प्लस माइनस आयोटा, ठीक है। प्लस माइनस आयोटा क्यों मिला है, क्योंकि स्केयर रूट में नेगेटिव नंबर आ रहा है माइनस 1, तो माइनस 1 का स्केयर रूट जो है वो इक्वल होगा, आपने जब दोनों तरफ स्केयर रूट करना, क्योंकि आपके पास लेफ्ट साइड पे है एक्स स्केयर, इधर भी स्केयर रूट करेंगे राइट साइड पे भी स्केयर रूट करेंगे, तो ये मिल गया प्लस माइनस आयोटा। तो एक्स के जो फोर्थ रूट है वो कितने मिले हमें, 4 रूट मिल गए हैं, कौन कौन से, प्लस 1 माइनस 1 प्लस आयोटा माइनस आयोटा, हेंस फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी आर कौन कौन से है, प्लस 1 माइनस 1 प्लस आयोटा माइनस आयोटा। आगे हम इसकी भी प्रॉपर्टीज जो है वो डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी, फर्स्ट है प्लस 1 सेकंड माइनस 1 प्लस आयोटा एंड माइनस आयोटा, ये 4 रूट बनेंगे इसके। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि सम ऑफ ऑल फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी 0, कहता है जो फोर्थ रूट्स 1 के जो फोर्थ रूट्स आ रहे हैं इन चारों का सम जो है वो 0 के इक्वल है। पहला रूट है प्लस 1, दूसरा है माइनस 1, तीसरा प्लस आयोटा और चौथा माइनस आयोटा, इनको ऐड कर लें आप। प्लस 1 प्लस माइनस 1 प्लस आयोटा प्लस माइनस आयोटा, चारों को ऐड कर लिया, तो आप देखें प्लस 1 और माइनस 1 यहाँ पे ये रिमूव हो गए, प्लस आयोटा और माइनस आयोटा ये रिमूव हो गए, और आपको आंसर कितना मिल गया, 0। एक प्रॉपर्टी ये होगी। दूसरी है द रियल फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, कहता है कि जो रियल रूट्स हैं ये देखें इसमें रियल कौन से हैं और इमेजिनरी कौन से हैं, ये आपके पास रियल हैं और ये जो है ये इमेजिनरी, ये रियल हैं। तो रियल रूट्स कौन कौन से बने, प्लस 1 और माइनस 1, कहते हैं द रियल फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। 1 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस 1, और माइनस 1 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, प्लस 1। तो इसका मतलब कि ये जो आपको रियल रूट्स मिल रहे हैं प्लस माइनस 1 दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं, बिकॉज हम जानते हैं ना कि 1 का एडिटिव इनवर्स क्या है, माइनस 1, और माइनस 1 का एडिटिव इनवर्स क्या है, प्लस 1। तो एक प्रॉपर्टी ये होगी। आगे है बोथ द कम्प्लेक्स फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी आर कॉन्जुगेट ईच अदर, के जो कम्प्लेक्स रूट आ रहे हैं वो कौन कौन से हैं, एक है प्लस का आयोटा और एक है माइनस का आयोटा, ठीक है। कॉन्जुगेट हम किस तरह डिफाइन करते हैं किसी भी नंबर का, कि आप उसका जो है ना वो इमेजिनरी पार्ट का अगर साइन चेंज कर दें शॉर्टली, तो हम यही शॉर्टकट यही लिखते हैं कि अगर किसी नंबर का जो है वो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दें तो वो उसका कॉन्जुगेट बन जाता है। मीन्स डैट कि अगर आपके पास हो 2 प्लस आयोटा, तो मैं इन शॉर्ट अगर इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना चाहूँ तो लिखूंगा 2 माइनस आयोटा, कि इमेजिनरी पार्ट का सिर्फ साइन चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। अब हमारे पास जो रूट्स दो आए हैं कौन कौन सा आया, एक प्लस आयोटा और एक माइनस आयोटा, ये दो रूट्स कम्प्लेक्स रूट्स आए हैं ये वाले दोनों। तो आप देखें कि प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट क्या है, माइनस आयोटा, और माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट क्या है, प्लस आयोटा, ये दोनों एक दूसरे के फिर क्या हुए, बोथ द कम्प्लेक्स इमेजिनरी फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं, ठीक है। Which are obviously जो आपके पास क्लियर है। आगे प्रोडक्ट ऑफ ऑल फोर रूट्स ऑफ यूनिटी इज माइनस 1,
क्यूब रूट का आंसर जो है ना प्रोडक्ट ऑफ वन आ रहा था, यहाँ पे माइनस वन आ रहा है। आप इनको मल्टीप्लाई करें, फोर रूट है कौन कौन से हैं, वन मल्टी वन था, माइनस वन था, आयोटा था एंड माइनस आयोटा। तो वन मल्टीप्लाई माइनस वन मल्टीप्लाई आयोटा मल्टीप्लाई माइनस आयोटा, वन मल्टीप्लाई माइनस वन माइनस वन, माइनस वन मल्टीप्लाई आयोटा माइनस आयोटा, और माइनस आयोटा मल्टीप्लाई आप देखें यहाँ पे माइनस आयोटा मल्टीप्लाई माइनस आयोटा, तो ये बन गया प्लस का आयोटा स्क्वेयर। और आयोटा स्क्वेयर किसके इक्वल होता है, माइनस के वन के। आप लोग ये देख सकते हैं कि वन मल्टीप्लाई माइनस वन माइनस वन, और आयोटा मल्टीप्लाई माइनस आयोटा माइनस का आयोटा स्क्वेयर, माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वेयर, और ये आयोटा स्क्वेयर इक्वल आएगा माइनस वन के इक्वल। तो ये जो है ना हमारे पास आपका आंसर बन जो है प्रॉपर्टीज आज जिसकी हमने डिस्कस कर ली।